नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाइक से दवा लेने जा रहे पिता पुत्र पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बेटे के सामने बदमाशों ने पिता की सरेआम हत्या कर दी। इन दिहाड़ी हुई हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। हथियारबंद चार बदमाशों ने युवक की लात घूस और अवैध असले से हत्या कर दी। बदमाशों के चंगुल से छूटकर बेटे ने पुलिस को सूचना दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के अजमतगंज में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। मीरगंज सर्किट में ही सुबह खेत पर बदमाशों ने किसान को मौत के घाट उतारा था। फिल्मी जगत में फिल्माई गई कहानी का असर किसी के जीवन पर इस तरह से भी पड़ सकता है कि फिल्मी कहानी को जीवंत करने की ठान ले। आगरा के केंद्रीय कारागार में अभिनेता अभिषेक बच्चन की 10वीं की शूटिंग हुई थी, जिसका असर कैदियों पर ऐसा पड़ा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में अपना नाम कर दिखाया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कैदियों ने न सिर्फ पास होकर दिखाया बल्कि अच्छे अंक लाकर अच्छा स्थान भी प्राप्त किया। केंद्रीय कारागार के 12 कैदियों ने बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया और सभी 12 कैदी पास हुए। परीक्षा देने वाले 12 कैदियों में 9 कैदियों ने 10वीं की परीक्षा दी, जिसमें 3 कैदियों ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि 6 कैदी दूसरे स्थान पर रहे। आगरा के केंद्रीय कारागार में 32 से 33 दिन 10वीं की शूटिंग चली थी, जिसकी कहानी का असर जेल में सजा काट रहे कैदियों पर पड़ा और 10वीं से प्रभावित होकर बोर्ड परीक्षा में भाग लिया और पास होकर दिखाया। केंद्रीय कारागार में ज्यादातर कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जेल प्रशासन में कैदियों को पढ़ने के लिए किताबें और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है और जो कैदी पढ़े लिखे हैं उन कैदियों ने परीक्षा में भाग रहे कैदियों को पढ़ाया और मार्गदर्शन किया। जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है कि जब एक लंबे समय तक करीब 30-32 दिन यहाँ पे उस फिल्म का शूट हुआ था और वो लंबे समय में नेचुरल सेटिंग नहीं हुआ था, उन्हीं बैरकों में, उन्हीं हाथों में, उसी प्रकार के जो हमारे लाइब्रेरी है या अन्य जो कॉमन हॉल है, डाइनिंग हॉल है, उन्हीं नेचुरल सेटिंग में ही इसकी शूटिंग हुई थी। तो वहाँ बंदियों ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि उन्होंने रील पर देखा था, बड़े पर्दे पर देखा था, उन सबको अपने पास देख करके उन्होंने निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा ली। और जो 10वीं फिल्म का जो एक सामाजिक संदेश यही था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। अमित जी, प्रतापगढ़ से कानपुर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन के लोको पायलट की अचानक तबियत खराब हुई। इंटरसिटी ट्रेन को ले जा रहा था लोको पायलट हरीश चंद शर्मा परशुरामपुर चिरबिला के निवासी थे। सुबह प्रतापगढ़ स्टेशन से कानपुर के लिए लोको पायलट रवाना हुए। अचानक कासिमपुर हाल्ट के पास तबियत बिगड़ गई। सूचना पर एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने लोको पायलट हरीश चंद शर्मा को मृत घोषित कर दिया। कासिमपुर हाल्ट पर घंटों प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी ट्रेन खड़ी रही। पुलिस की टोपी और आई कार्ड के साथ व्यापारियों की दुकान पर जाकर के ठगी करने वाले, आम जनता को अपने टप्पेबाजी का शिकार बनाने वाले, चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी की 11 बैटरी, इन्वर्टर और रिफाइंड तेल, ये तमाम चीजें बरामद की हैं। गाड़ी भी बरामद की है, वहीं 2 लाख की नकदी भी बरामद की है। मेरे प्रभारी निरीक्षक अछल्दा और उनकी टीम जो है, उनको सूचना मिली मुखबिर से कि कुछ चोर जो है वो सामान बेचने की फिराक में हैं। इनकी टीम ने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की और उस लोग के उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से इनको करीब 100 टन जो है वो शरिया बरामद हुई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनके थाना क्षेत्र से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो अभी निर्माणाधीन है ये गुजरता है और उसमें बहुत सारा लोहे का सामान जो है वो इन लोगों ने चोरी किया हुआ है और उसको ये लोग बेचने की फिराक में थे। विगत दिनों भी इन्होंने वही सरिया चुराने की एक FIR हमारे सदर थाने में दर्ज की और भी एक FIR दर्ज है, तो इन्होंने सभी घटनाओं को कबूल किया है।
बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश युवकों ने राह चलती एक किशोरी का अगवा कर लिया। किशोरी ने पुलिस को देख शोर मचा दिया। पुलिस के डर से बदमाश किशोरी को हाईवे पर फेंक कर फरार हो गए। फिर किशोरी ने बताया कि नगर के ही कुछ लोगों ने शाहजी डेयरी के पास से जबरदस्ती अगवा किया। पुलिस ने बताया कि किशोरी बदहवास स्थिति में मिली। किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित किशोरी के परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक आरपीएफ के जवान की मौत हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा रेलवे जंक्शन पर यह तैनात था। हृदय गति रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मधगढ़ क्षेत्र के औरंगाबाद जगदीशपुर गांव का मृतक निवासी था। सिद्धार्थनगर गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं हरदोई में बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के गौरी नगर मोहल्ले में एक कार्यदायी संस्था के कर्मी के घर से दो बोरी बिजली के तार बरामद की हैं। अधीक्षण अभियंता ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। हरदोई के हरपालपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कटेठा के मार्शा मदनापुर निवासी एक दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास न देकर भ्रामक आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर तीन ग्राम विकास अधिकारियों और वर्तमान तथा पूर्व प्रधान के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। हरदोई में जुमे की नमाज से पहले डीएमएसपी ने पैदल गश्त किया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर डीएमएसपी द्वारा पैदल गश्त किया गया। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल भी मौजूद बताया जा रहा है। डीएमएसपी ने सभी को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया है। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडे चले हैं, जिसमें तीन की हालत गंभीर है, एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के ग्राम पावा की घटना बताई जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में पाकिस्तान कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी के गुर्गिया अतीक श्री की चैट का खुलासा हुआ। पाकिस्तान में बड़े गैंग के संपर्क में शातिर अतीक था। अतीक की व्हाट्सएप चैट से पुलिस को राष्ट्र विरोधी चैट मिले हैं। 2 जून की रात में सुबह ग्रुप में चैटिंग हो रही थी। हिंसा के दौरान बम प्लांट करने की भी चैटिंग का खुलासा हुआ है। एसआईटी शातिर अपराधी अतीक की तलाश में जुटी हुई है। बिल्डर के गुर्गे भी चैटिंग को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार डोगडंडे की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय में जिला सलाहकार समिति PCPNDT की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने इस बैठक के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्रामों के आंकड़ों की जानकारी संबंधित अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश किया है विकासखंड वार सही रिपोर्टिंग कर सही आंकड़े प्रस्तुत करें। कहा कि वर्तमान में सेक्स रेशियो में काफी सुधार आया है, जिसमें 952 की संख्या हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश किया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्रवाई करें। कहा कि हर माह टॉक शो करवाएं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं जनपद संभल का प्रशासन भी सीएम की राह पर चलते हुए अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 86 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। बाराबंकी में कोतवाली बदुसराय के मुख्य चौराहों पर बीती रात दबंगों ने एक दिव्यांग की बैसाखी छीन कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और मुकदमा भी इसमें पंजीकृत कराया गया है। मामला कोतवाली बदुसराय का, जहां मुख्य चौराहे पर थाना टिकैत नगर में एक दिव्यांग को दबंगों ने परेशान किया है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई।
वहीं लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया, डीसीपी पश्चिमी सोमेन वर्मा ने पुलिस बल के साथ मार्च किया। वहीं पुलिस फोर्स के साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पश्चिम जोन में डीसीपी एसपी के साथ पैदल गश्त किया ताकि सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की फजीहत कम होने का नाम नहीं ले रही। जो अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष या किसान संगठन सभी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है और योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।